दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। आज अगर देश की जो राजनीति है उसको अगर देखा जाए और समाज जनता की जो हालत है उसके संदर्भ में एक बड़ी पिक्चर, एक बृहत्तर तस्वीर पर नजर डाली जाए तो मैं समझता हूं कि आज का जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, सेंट्रल क्वेश्चन जिसको आप कह सकते हैं, कि भाई अगर इस देश में जो मौजूदा रिजीम है, जो मौजूदा सत्ता है, उससे अगर नाराज लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है तो फिर इस समाज में, इस राजनीति में कोई वैकल्पिक राजनीति मजबूती के साथ उभरती क्यों नहीं नजर आती। सीधा हमारा सवाल है, जो मैं समझता हूं कि आवाम में भी है, कि महंगाई है, बेरोजगारी है, तबाही है, कोरोना के दौर में अस्पतालों की बेहाली से पूरा देश वाकिफ है, किस तरह से जो हमसे भी गए गुजरे देश हैं दुनिया के, जिनकी आर्थिक स्थिति हमसे भी कोई बहुत शानदार नहीं है, वो भी अपनी आवाम की रक्षा के लिए, उनके सेहत के लिए बहुत कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन हम जो एक ज़माने में आज़ादी के बाद से हमने अपने देश में जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पर थोड़ा बहुत जोर दिया था, अब उसका भी कोई नामो निशान नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शासकीय निरंकुशता अपने चरम पर है। जो एजेंसियां सरकार की हैं वो जिसको चाहे उसको अरेस्ट कर लेती हैं, उसको उग्रवादी, आतंकवादी और न जाने क्या क्या बना देती हैं। कभी किसी प्रोफेसर को, कभी किसी एडवोकेट को, कभी किसी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को, कभी किसी लेखक को, कवि को, कई जगह तो लोगों को, तमाम तरह के ऐसे संगठन जिनकी जो छवि है बहुत ही डूबियस है, उन्होंने हमले तक करा दिए लेखकों, बुद्धिजीवियों पर। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद, और इसके अलावा एक दूसरी बात भी है कि जो आसपास के मुल्कों से अपने रिश्ते हैं वो लगातार ख़राब होते जा रहे हैं, एक तरह से भारत की वैश्विक छवि भी प्रभावित हुई है। लेकिन इसके बाद भी मौजूदा सत्ता को चुनौती देने वाली, चैलेंज करने वाली जो ताकतें पहले हुआ करती थीं, चाहे सत्ता उन दिनों कांग्रेस की थी या किसी की भी रही हो, उस तरह की शक्तियां संगठित तौर पे पूरे देश में नहीं दिखाई देती हैं। और सबसे जो अहम बात है कि हिंदी हार्टलैंड जिसे कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि देश की राजनीति की दिशा तय करता है, यही इलाका जिसको हम हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं, इन जगहों पर अगर देखा जाए, इन सूबों में देखा जाए, तो एक दौर में आप देखा होगा आपने कि 30-40 साल का इतिहास अगर आप ठीक से नजर डालिए तो पाएंगे कि तमाम बड़े छत्र इन्हीं इलाकों में उभर कर आए थे, साउथ में भी उभरे, लेकिन इनिशिएटिव जो था वो नॉर्थ के बड़े छत्रपों के हाथ में था और उन्होंने एक व्यापक मोर्चेबंदी की, उसमें लेफ्ट का एक बड़ा रोल था, एक सीमेंटिंग रोल था, एक तरह से सबको जोड़ने का था। लेकिन अगर आप देखें तो वो जो छत्रपों की पूरी ताकत है, क्षेत्रीय दलों का जो पूरा का पूरा एक ढांचा, एक तस्वीर दिखाई देती है, वो गायब है। और अगर वो दल मौजूद हैं तो उनकी हालत बिल्कुल पस्त है, उनके नेता तो बोल नहीं पा रहे हैं, ये दूसरी पीढ़ी के उनके नेता हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो पहले के बड़े छत्रपों के पुत्र पुत्रियां हैं और कुछ नए उभरे हैं, तो ये बोल तक नहीं पा रहे हैं। और कुल मिलाकर जो नेता इनके जो बड़े नेता थे पहली पीढ़ी के, जो आंदोलनों और सड़क और आम आदमी के बीच से उभरे थे, वो कहा करते थे कि उन्हें अखबार और मीडिया पर भरोसा नहीं है, वो तो जनता और सड़क और गली में जाकर लोगों से सीधा संवाद करते हैं। लेकिन आज उन्हीं दलों के नेता सिर्फ ट्विटर पर बात करते हैं। जो बात उत्तर प्रदेश में, बिहार में चीख चीख कर जनता कह रही है, मौजूदा सत्ता पर सवाल खड़ा कर रही है कोरोना के इस दौर में, लेकिन उत्तर प्रदेश के, बिहार के और तमाम जगहों के नेता ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, सत्ता से सवाल करने में भी डर रहे हैं। जनता नहीं डर रही है लेकिन नेता डर रहे हैं जनाब। तो ये दौर है। ले देकर अगर आज का सिनारियो देखें
तो मौजूदा सत्ता राहुल गांधी की थोड़ी बहुत बातों से डरती है, परेशान होती है, डरना तो नहीं कहेंगे, परेशान होती है, उसको उलझन होती है, झुंझलाहट होती है, घबराहट भी होती है, और थोड़ा बहुत जो केरल में लेफ्ट की सरकार है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की, उसके कामों से भी थोड़ी बहुत परेशानी उसको होती है। बाकी अगर देखें बंगाल में जो एक ममता बनर्जी की तिकड़वी किस्म की राजनीति है, उससे भी कई बार उसको सिरदर्द होता है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरह के राज्यों से उसको ज्यादा परेशानी नहीं होती है। यहां तक कि शरद पवार जैसे मराठा महाबली जी, इनको एक बार कहा जाता था एक दौर में, उनसे भी बहुत ज्यादा परेशानी उसको नहीं है। तो कुल मिलाकर हालात ये हैं कि ये दौर ऐसा दौर है जब क्षेत्रीय दलों की वो ताकत जो राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा आकार ले लेती थी, कोई ना कोई मोर्चेबंदी के जरिए आज वो विलुप्त प्राय है। क्या अपने देश में जो हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता जिसको कहते हैं, जिसको हिंदुत्व की राजनीति कहते हैं, जो इन दिनों फिर अयोध्या को लेकर सरगर्म है, और अयोध्या में जो 1992 का बड़ी दिलचस्प बात है कि जो डिमोलिशन हुआ था बाबरी मस्जिद का, जो भी ध्वंस हुआ था, उसका मुकदमा भी अभी चल रहा है, और उस मुकदमे में बड़ी दिलचस्प बातें सामने आ रही हैं कि जिन लोगों को देखा गया था कि उन लोगों ने क्या रोल अदा किया था, बिल्कुल दुनिया ने तस्वीरें देखी, वो अब सीबीआई कोर्ट में कह रहे हैं कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, उनका तो कोई रोल ही नहीं था उसमें, वो ये अपने को दोषी न साबित हो इसके लिए वो तमाम तरह की बातें कह रहे हैं जिनको सत्य के अलावा सब कुछ कहा जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी उत्तर प्रदेश के नेता कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो कमाल का ये दौर है दोस्तों कि जनता बोल रही है, सोशल एक्टिविस्ट रिस्क लेकर बोल रहे हैं, प्रोफेसर्स बोल रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स बोल रहे हैं, वकील बोल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल और तमाम दल नहीं बोल पा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, जब प्रियंका गांधी कुछ करती हैं, ये कोई कुछ बोल देती हैं, तो वो एक ट्वीट कर देते हैं। उसी तरह से मायावती जी, अगर जरूरत पड़ती है कि ऐसा कुछ कहना है करना है, तो वो ऐसा कोई बयान देती हैं जिससे कि मौजूदा सत्ता और उनसे खुश हो जाती है। तो ये कुल मिलाकर दौर है। इस विषय पर जो क्षेत्रीय राजनीति का जो क्षरण हुआ है दोस्तों, और इससे जो एक एक जो रिक्तता आई है, जिससे कि हिंदुत्व जो वादी सांप्रदायिक राजनीति है उसका उसका न केवल मनोबल बल्कि उसकी ताकत बहुत बड़ी है। मैं इस बारे में बातचीत करने के लिए हमने प्रोफेसर मनिंद्रनाथ ठाकुर, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्री हैं, मैं और जो हिंदी हार्टलैंड को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उनसे हमने बात की। मनिंद्र जी, मैं आपसे यही समझना चाहता हूं, जिस विषय पर कम लोग बात कर रहे हैं, सब लोग रफाल पर बात कर रहे हैं, सब लोग चीन पर बात कर रहे हैं, सरहद पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस दौर में, जब इस दौर को महामारी का दौर कहा जा रहा है, सबसे भयानक दौर है, लोग मर रहे हैं, लोगों को उपलब्ध नहीं है मेडिकल केयर, और तब भी आवाजें, खासकर हिंदी हार्टलैंड में जो क्षेत्रीय राजनीति के छत्रप थे या उनके जो अभी उत्तराधिकारी हैं, उठा नहीं पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जो क्षेत्रीय दलों का क्षरण हुआ है, उसकी क्या वजह आप पाते हैं? उर्मिलेश जी, ये सचमुच आश्चर्य की बात है कि एक समय जिन लोगों ने भाजपा के रथ को रोक दिया था और ऐसा लगने लगा था कि भाजपा कभी भी उन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाएगी, उन्हीं क्षेत्रों में भाजपा का वर्चस्व बढ़ता चला गया, और जो समाजवाद, सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, जिन्होंने पिछले 15-20 सालों तक, 20-25 सालों तक भारतीय राजनीति को दिशा देने की कोशिश की, उन सब का एक एक करके पतन हो गया। ये आश्चर्य की बात है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए? मेरे ख्याल से एक बड़ा कारण तो ये था कि इस राजनीति ने गठबंधन ज़रूर किए, इस राजनीति ने नए तरह के सामाजिक इंजीनियरिंग को ज़रूर बल दिया, लेकिन जिस तरह से विचारधारा के ऊपर इन्हें काम करने की ज़रूरत थी, वो कर नहीं पाए। यहाँ तक कि समाजवाद की जिस विचारधारा को लेकर वो चल रहे थे, उसके अंदर भी कोई मजबूती नहीं हो पाई, उसका भी कोई ख़ास आम जनता तक पहुंचाने का उसको भी प्रयास नहीं किया गया। ये एक बड़ा संकट रहा। ठीक उसके विपरीत, भाजपा जब सत्ता में नहीं भी थी, ये जब सत्ता में आई, तो भाजपा ने लगातार अपने विचारधारा को
नीचे के तबके के लोगों तक ले जाने का प्रयास किया। उनकी कई संस्थाएं हैं, उनकी कई योजनाएं हैं, जिसके तहत आप देखेंगे अलग अलग तरह के लोग एक साथ शामिल हो रहे हैं। जबकि ये जो पार्टियां थी, इन पार्टियों ने एक तरह से बौद्धिक संस्थाओं को दरकिनार कर दिया, अपनी पार्टियों के अंदर भी बुद्धिजीवियों को कोई खास महत्व नहीं दिया, कोई वैचारिक प्रतिपक्ष तैयार करने का प्रयास नहीं किया, और कुछ ऐसा लगने लगा था कि विकास के बदले सिर्फ अस्मिता की राजनीति ही महत्वपूर्ण रह गई थी। नतीजा ये हुआ कि जब ये अस्मिताएं टूटने लगीं तो फिर उनके पास कोई और आधार नहीं बच गया। कई डिकेड तक, कई वर्षों तक राज करने के बाद जो जिन अस्मिताओं के बल पर वो राज कर रहे थे, उन अस्मिताओं के अंदर भी कई अस्मिताएं बनने लगी। जैसे ये ओबीसी राजनीति कर रहे हैं आप, तो ओबीसी के कई कैटेगरीज थे, और फिर वहाँ एक असंतोष फैलने लगा कि कुछ खास जाति के लोगों ने अपना वर्चस्व बना रखा है, जिसका उपयोग भाजपा ने बखूबी किया। वो जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस बने इन कैटेगरीज़ के बीच में सामाजिक न्याय सामाजिक आधार के ऊपर, उन इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस को रिजॉल्व करने का, ख़त्म करने का ये कोई तरीका ढूंढ नहीं पाए। और मणिंद्र जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि क्या जो क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व की दूसरी पीढ़ी है, ये खासकर जिनको बहुत सारे लोग ये भी कह देते हैं कि ये गमले में उगे हुए पौधे हैं, इन्होंने सड़क की राजनीति नहीं किया है, गली की राजनीति नहीं की है, संघर्ष नहीं किया है, लेकिन क्या इनके अंदर बौद्धिकता का अकाल दिखाई देता है आपको? क्या इनके अंदर आपको लगता है कि ये इनके जो पहले के जो नेता हैं, जो बहुत दिनों तक सत्ता में रहे, क्या उनके ऊपर जो आरोप रहे हैं बहुत सारे लोगों पर करप्शन के, क्या उसका दंश है, क्या उससे एक डर है कि कहीं कुछ और ऐसी घटनाएं ना हो जाएं जैसा कि बिहार में हो चुका है कुछ नेताओं के साथ? तो क्या वो दहशत भी है, क्योंकि ये सरकार एजेंसियों के इस्तेमाल में बहुत आगे है, कांग्रेस भी किया करती थी लेकिन ये कुछ ज्यादा किया करती है, तो क्या ये भी एक मामला है? और इसी से जुड़ा एक मामला आप और भी समेट लीजिए कि इस दौर में कांग्रेस का क्या रोल आप देखते हैं? जो दूसरी पीढ़ी है सामाजिक न्याय के पुरोधाओं की, उसकी दो बड़ी समस्याएं मुझे लगती हैं। पहली समस्या तो ये है कि उनको सब कुछ तैयार मिल गया था, भले ही पिछली पीढ़ी के पास वैचारिक आधार थोड़ा कमज़ोर रहा हो या बाद के दिनों में कमज़ोर हो गया हो, लेकिन उनकी बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने साइकिल से पैदल चल चल के संगठन का निर्माण किया था, तो लोगों से उनका जुड़ाव बहुत ज़बरदस्त था। वो जुड़ाव इनके बच्चों को नहीं हो सकता है, हो भी नहीं पाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब सत्ता में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सत्ता का हस्तांतरण होता है, तो वैसे में आप समझ सकते हैं कि जो पुराने लोग हैं वो आसानी से इन युवाओं की बात को मान लेंगे ऐसा नहीं लगता है, तो उनको ये कैसे मैनेज करेंगे, ये एक बड़ी समस्या इनके लिए है। आप गौर करेंगे कि बिहार में लालू जी के जाने के बाद उनके ही लोग इस युवा नेता से बहुत खुश नहीं हैं, और जिस तरह से उन दोनों के बीच के रिश्ते बन रहे हैं, ऐसा लगता है कई पुराने नेता बाहर चले जाएंगे। बाहर चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नए नेतृत्व को खड़ा करना, अपने साथ समेट कर ले चलना, ये एक बड़ा काम है जो इन्हें भी करके दिखाना है। दूसरी बात यह है कि ये जो नया नेतृत्व उभरा है, इन्होंने भी अभी तक कोई वैचारिक क्षेत्र में काम नहीं किया है, ये भी अभी तक सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि हमें जो हमारी अस्मिताएँ थीं उन्हें वापस लानी है, उनका गौरव लाना है, तो उससे नया काम नहीं चल पाएगा। अखिलेश जी ने निश्चित रूप से विकास को अपना मुद्दा बनाया था, लेकिन भारत में विकास का मुद्दा अकेले कभी नहीं चल पाया है, उसको एक और वैचारिक आधार चाहिए। समाजवाद के आधार को अखिलेश जी ने लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बखूबी ला नहीं पाए। तो आगे शायद जो नया नेतृत्व है उसे और संघर्ष करके अपनी जगह बनानी पड़ेगी, जो जगह अपने आप उन्हें मिली है उससे बहुत आगे बढ़ पाना उनके लिए संभव नहीं है, उसके द्वारा भाजपा जैसी पार्टी को चैलेंज करना उनके लिए संभव नहीं है।
मैं समझता हूं कि मनिंद्रनाथ ठाकुर की इस टिप्पणी की रोशनी में मैं आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हुए जरूर ये बात कह सकता हूं कि अपने देश में जो एक दौर में माना जाता था कि तीसरी जो शक्ति है जब तक वह नहीं उभरती तब तक एक सही स्तर पर वैकल्पिक राजनीति नहीं सामने आएगी, लेकिन अभी देखा यह जा रहा है कि जो लोग जहां भी बात कर रहे हो चाहे साउथ में चाहे नॉर्थ में वो राजनीतिक विकल्प ही की केवल तस्वीर दिखा पा रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वैकल्पिक राजनीति गायब है। आप हमें ये बताइए कि जिन कारणों से क्षेत्रीय राजनीति विफल हुई, आप मुलायम सिंह यादव की राजनीति को देखिएगा पीछे मुड़कर थोड़ा जब वो सत्ता में थे, आप लालू यादव की राजनीति को देखिएगा, आप मायावती जी की सरकार की राजनीति को देखिएगा, तेलुगु देशम पार्टी की सरकार का दौर देख लीजिएगा, क्या आपको कहीं से लगता है कि कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी की अर्थनीति से राजनीति से कोई बहुत मौलिक फर्क है सिवाय हिंदुत्व के? हिंदुत्व की राजनीति के अलावा क्या फर्क है? जो प्राइवेटाइजेशन है, जो अर्थनीति के और जो बड़े पेचीदे सवाल हैं उन पर क्या ऐसा बुनियादी फर्क रहा है कि लोग वैकल्पिक राजनीति का उनको पर्यायवाची माने? शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या उन्होंने ऐसा नया किया? लैंड रिफॉर्म्स के क्षेत्र में जिसको माना जाए कि कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले उनके पास विकल्प की राजनीति थी। तो कहीं ये जो हार उनकी है और कहीं ये बीजेपी की जो जीत है वो इसलिए तो नहीं है कि आर्थिक सुधारों के दौर के बाद जो कारपोरेट का एक तेजी से उभार हुआ और हिंदुत्व राजनीति का जो उभार हुआ, दोनों के बीच में जो गठबंधन बना उसमें जो राजनीतिक विकल्प केवल पेश करने वाले क्षेत्रीय दल थे और जिनके पास वैकल्पिक राजनीति, वैकल्पिक अर्थनीति नहीं थी, वो लगातार विफल होते गए और अंततः हिंदुत्व राजनीति को विजय मिली। लेकिन सवाल इस बात का है कि इसका समापन क्या है, इसका रास्ता क्या है? हम यहीं अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को छोड़े जाते हैं कि मौजूदा दौर में जब सचमुच एक अंधेरा दिखाई दे रहा है, रास्ता क्या है? हमारे पास कोई रेडीमेड जवाब नहीं है, लेकिन आपको तलाश करना है, आपको सोचना है, आपको विचार करना है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.